हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो है कि अगर हमारी पानी की थैली में पानी की कमी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बेबी पर। तो आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई भी बीच में इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनके अंदर एक पानी की थैली होती है जिसको एमनियोटिक फ्लूड भी बोला जाता है। उसके अंदर हमारा बच्चा रहता है, उसके अंदर हमारा बच्चा जिंदा रहता है, उसी से उसको एक कवरअप मिलता है जिसमें वो सुरक्षित रहता है। अगर पानी की थैली में अगर पानी कम हो जाता है तो हम जानेंगे कि उसके क्या लक्षण होते हैं। तो मेन लक्षण इसका होता है कि आपकी प्रेगनेंसी 7-8 मंथ पहुंच चुकी है और आपका पेट का आकार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम जितना था उतना ही है, या आगे भी आपकी प्रेगनेंसी बढ़ चुकी है और पेट का आकार नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है कि बच्चे के मूवमेंट कम फील होना, ये एक मेन कारण है। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा, आप जैसे अल्ट्रासाउंड कराती हैं और उसमें एमनियोटिक फ्लूड की जो प्रॉपर क्वांटिटी होती है वो अगर नहीं दिखाई देती है तो ये कंडीशन भी होती है कि आपके पानी की थैली में पानी की कमी हो गई है। चौथा लक्षण है इसका, प्राइवेट पार्ट से कंटिन्यू फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक एमनियोटिक फ्लूड निकलना। अब हम जान लेते हैं कि इससे बेबी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर पानी की थैली में पानी की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले तो बच्चे के विकास में रुकावट हो सकती है। पानी की थैली में पानी की कमी हो जाती है तो आपका मिसकैरेज भी हो सकता है और इसके साथ साथ प्रीमैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका भी खतरा बना रहता है पूरी प्रेगनेंसी। अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी, बिल्कुल ही पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है कि बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ सकता है। और पानी की थैली में पानी की कमी होने पर डिलीवरी के टाइम भी प्रॉब्लम आ सकती है और डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम आने पर सी सेक्शन डिलीवरी भी हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो पानी की थैली में पानी की कमी से बचने के लिए हमें सबसे पहले पानी भरपूर मात्रा में पीना है। कम से कम एक टारगेट सेट करना है आपको कि आपको पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर से 10 से 12 ग्लास पानी पूरे दिन भर में ज़रूर पीना है। चाहे आपको प्यास लगे ना लगे, आपको इतनी क्वांटिटी पानी की डेली लेनी ही लेनी है। दूसरा उपाय आपको करना है, लिक्विड फूड्स लेने हैं, जैसे कि आप जूस अधिक मात्रा में लीजिए। तीसरा उपाय है कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि लेफ़्ट साइड करवट लेके ही सोना है। वो जितनी ज़्यादा कोशिश करें आपको लेफ़्ट साइड ही सोना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बच्चे तक पहुँचता रहता है और सारे पोषक तत्व भी बच्चे तक पहुँचते रहते हैं और पानी की थैली में पानी की कमी नहीं होती है। चौथा उपाय है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। हो सके तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का टहलना। छोटी मोटी एक्सरसाइज आप अपनी डॉक्टर के एडवाइस से भी कर सकते हैं। डॉक्टर आपको इसके लिए एडवाइस करेगा कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज कंटिन्यू ज़रूर करें। पाँचवा उपाय है कि आपको पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक बिना पूछे डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है। चाहे जुखाम हो, खांसी हो, फीवर हो, कुछ भी हो, आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो इन चीज़ों का गाइस ध्यान रखिए क्योंकि पानी की थैली में पानी की कमी होने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए 5 उपाय ज़रूर अपनाइए अपनी लाइफस्टाइल में, तो इससे आपकी पानी की थैली में कमी नहीं होगी। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि मैंने एक कॉन्टेस्ट चलाया है कि जिसका कमेंट्स मुझे पसंद आता है उसके घर तक एक बेबी हैम्पर भेजा जाएगा, जो कि विनर की अनाउंसमेंट आने वाले वीडियोज़ में मिलती रहेगी। तो आपको वीडियो मेरे ज़रूर देखने, बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का तभी पता चल पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।